मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच से कम है, क्या मैं आर्मी क्लरिकल के लिए फिट हूँ? आर्मी क्लरिकल में क्या कोई स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है? आर्मी क्लरिकल में क्या स्टेट वाइज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं? आर्मी क्लरिकल में हाइट कैसे मेजरमेंट होता है? आर्मी क्लरिकल में मेरे पास स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी है, मेरे पापा आर्मी में है, मेरे भाई आर्मी में है, क्या मुझे कोई रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं? इन सभी डाउट आपको इस एक वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। सो आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके जो भी डाउट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो आर्मी क्लरिकल के हाइट के बारे में जो कुछ भी डाउट है मैं यहाँ पे लिख के ला चुका हूँ, एक एक करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। सो आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके मेरे बात अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्मी क्लरिकल में जो हाइट में स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं? तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आर्मी क्लरिकल में स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है और वो भी हाइट में। आर्मी में और जो भी कैटेगरीज है सच एज आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी एनए, उनमें इतना छूट नहीं मिलता है, लेकिन आर्मी क्लरिकल में हाइट के लिए छूट मिलता है। तो आपका आंसर जो है कि आर्मी क्लरिकल में स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं, तो हाँ आर्मी क्लरिकल में स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में। क्या मिलता है क्या नहीं लास्ट तक देखिए, तब जाके समझ में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मैं सिक्किम से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, क्या स्टेट वाइज आर्मी क्लरिकल में हाइट के लिए छूट मिलता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आर्मी में कुछ स्पेशल स्टेट है आर्मी क्लरिकल के लिए, उन्हीं में आपकी हाइट में छूट दिया जाता है। वो कौन कौन सी स्टेट है आप अच्छे से ध्यान से सुनेगा, तब जाके समझ में आएगा। पहला है सिक्किम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मणिपुर, पांचवा है त्रिपुरा, छठा है मिजोरम, सातवा है मेघालय, आठवा है असम, नौवा है हिल रीजन सच एज गैंगटॉक, दार्जिलिंग और कैसिमपुर का डिस्ट्रिक्ट जो भी है। यह भी मैंने जो बताया आपको, जो भी स्टेट मतलब स्टेट आप उसे पीछे करके देखिएगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने जो भी आपको स्टेट बताया इसी में 2 सेंटीमीटर तक छूट मिलता है आर्मी क्लरिकल के हाइट में, और बाकी बचा जो भी स्टेट है उन्हीं में कोई भी छूट नहीं मिलता, वो जनरल जो हाइट रहता है उनका सेम रहता है। अभी डिस्कस करेंगे आर्मी क्लरिकल में हाइट मेजरमेंट कैसे होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आर्मी क्लरिकल के लिए हाइट और भी जो कैटेगरीज है उनमें से थोड़ा कम मांगता है। कितना मांगता है एक्यूरेट आपको बताता हूँ, 162 सेंटीमीटर मतलब 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और इसको अगर फीट में मैं मेजरमेंट करूँ तो है 5 फुट 3.78 इंचेस आपका होना चाहिए, मतलब 5 फुट 4 इंच भी नहीं, 5 फुट 3.78 इंचेस अगर आपका हाइट है तब आप एलिजिबल हो आर्मी क्लरिकल के लिए, क्योंकि और कोई भी कैटेगरीज में आर्मी में इतना छूट नहीं देता। ओके, ये बात दिमाग में बिठा लो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मी में क्या कोई स्पोर्ट्स कोटा और एनसीसी वाले और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वालों को आर्मी क्लरिकल में हाइट के लिए छूट मिलता है या नहीं? तो आपको एक एक करके बताता हूँ। आर्मी में अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, मतलब आपके भाई आर्मी में है या आपके पापा आर्मी में है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको 2 सेंटीमीटर तक हाइट में छूट मिलेगा, मतलब 162 सेंटीमीटर मिलता है आपको 160 सेंटीमीटर में हो जाएगा।
अभी स्पोर्ट्स कोटा में उसमें भी 2 सेंटीमीटर नीचे अगर आपका होगा तो अब आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई थर्ड क्वेश्चन है कि मैं गरीब फैमिली से हूँ क्या मेरे लिए हाइट छूट मिलेगा, तो आपको मतलब जानकारी के लिए बता दूँ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। क्या आप पुअर फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो आपको हाइट में छूट मिलेगा, तो सिर्फ रिलेशन सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स कोटा वालों को ही 2 सेंटीमीटर तक छूट मिलेगा, लेकिन पुअर फैमिली को ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अभी जो हाइट वो कैसे मेजर होता है, जब आप आर्मी में फास्ट एंट्री करोगे तब एक बेस मतलब 162 सेंटीमीटर तक रखा जाएगा इस तरह। अगर आप इसके अंदर आपका हेड फिट होता है या उससे ज़्यादा होता है तब आप आर्मी क्लरिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो या पास हो जाओगे हाइट में, लेकिन उससे अगर थोड़ा भी नीचे आया तब आप आर्मी क्लरिकल के लिए फिट नहीं हो सकते, जो सच बात है, मैंने एक्सपीरियंस के आप बताता हूँ, बता दिया। अभी और कोई भी डाउट आपके पास है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो मुझे माफ़ कर देना, एक स्टेट मैंने छोड़ दिया, एक स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसमें आता है गैंगटक, दार्जिलिंग और कासिमपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है 2 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 160 सेंटीमीटर तक हाइट आप अगर आपका होगा तब आप आर्मी क्लर्क के लिए एलिजिबल हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल इंडिया में रेलवे ग्रुप डी से नीट मेडिकल तक, तब आप ये चैनल अपने फ्रेंड्स और आप खुद सब्सक्राइब करके रख दीजिए। यहाँ पे जो भी बात बताऊंगा मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम दिया है, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुश रहे और जो कुछ भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।